नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक TDS कैलकुलेशंस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, या फिर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसको हम प्रॉपर सही तरीके से किस प्रकार से इनेबल करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर, हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है जो TDS की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर सही तरीके से तो हो रहा है लेकिन जो TDS की रिपोर्ट्स है, जैसा कि हमारा 27 क्यू फॉर्म है या फिर 26 क्यू फॉर्म है, वो प्रॉपर सही तरीके से जनरेट नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारे TDS की कैलकुलेशन को लेके काफ़ी सारे कमेंट है जो अक्सर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ भी हमें स्टेप टू स्टेप किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ एक आधा पॉइंट अगर हम मिस कर देते हैं तो उसकी वजह से सारी रिपोर्टिंग पे असर है जो पड़ता है, यानी कि सही तरीके से वो कैलकुलेट नहीं कर पाता TDS की अमाउंट को लेके। तो अगर आज की इस वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट देख लेते हो तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी भी हम TDS से रिलेटेड कौन कौन से फीचर को स्टेप बाई स्टेप है जो इनेबल करने पड़ते हैं, कौन कौन से लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ते हैं और उसकी एंट्री हमें किस तरीके से पास करनी होती है, सारी बातें इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में TDS के ऑप्शन को इनेबल किस तरीके से करना होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया, कंपनी वगैरह हमने क्रिएट कर ली है, तो उसके बाद हमें कंपनी पे जाना होगा और फीचर्स के ऑप्शन को क्लिक करना होगा, या हम इसका शॉर्टकट F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसा हमने F11 प्रेस किया तो ये कुछ हमारी कंपनी से जो रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, वो खुल के आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर आपको तीन पार्ट्स देखने को मिलेंगे, अकाउंटिंग का, इन्वेंट्री से रिलेटेड, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड। तो इसके अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है, उसके अंदर हमारे टैक्स से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे आपको यहीं पर ही मिलने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है TDS को रिलेटेड। तो इसको TDS पे, इसको जो ऑप्शन हमारे को नो दिख रहे हैं, इसको हम करेंगे यस। और उसके बाद में जो हमारी ये कंपनी TDS डिडक्टर की डिटेल है, यानी कि ये जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये हमें हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन की डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसा कि पहला ऑप्शन आ रहा है 10 रजिस्ट्रेशन का नंबर, यानी कि जो हमने 10 नंबर ले रखे हैं, वो नंबर हमें यहाँ पे जो 10 डिजिट का नंबर होता है उसको यहाँ पर मैंशन करना पड़ता है। जैसा कि मैं एक बार डेमो के लिए यहाँ पर डेक कर देता हूँ मैं, देन उसके बाद में आपसे एक डिडक्टर टाइप पूछा जाए कि आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप का डिडक्टर है, वो एज ए कंपनी है या फिर एज ए इंडिविजुअल HUF, यानी कि नॉन कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर करेंगे इंडिविजुअल, और उसके बाद के अंदर जो आपकी डिडक्टर ब्रांच डिविजन्स है, तो वो आपको एज पर अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रांच है जो फिलअप कर देनी है। देन उसके बाद के अंदर ये डिटेल आपसे पूछा जाएगा भी सेट अल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि यहाँ पर ये जो TDS से रिलेटेड जो पर्सन इसको हैंडल कर रहा है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस पर्सन की, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देन उसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको यस करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो हमारे सामने ओपन हो के आएगी। यहाँ पर आ जाएगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स के अंदर, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके बाद में सन ऑफ डिटेल्स, उसके बाद में उसका जो डेजिग्नेशन है, यानी कि वो एज ए सुपरवाइजर है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, प्रोपराइटर है, क्या चीज़ है, जो भी वो उसका जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसका आपका एड्रेस जो भी आपने कंपनी के अंदर क्रिएट करते वक्त आपने डाला होगा, वो सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप टेलीफोन, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और इस विंडो को हम करेंगे एक्सेप्ट। देन उसके बाद के अंदर आपके पास ये ऑप्शन जरूर आएगा, रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल, तो आप इन दोनों ऑप्शन को यस रखना, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नो ही पड़ा रहने देते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको करेंगे यस। देन हम इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट यहाँ से। तो दोस्तों, ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है TDS के इनेबल करना।
तो ये हमारा TDS इनेबल हो चुका है। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा काम रहने वाला है वो हमारा काम रहेगा क्रिएट ए नेचर ऑफ TDS की जो पेमेंट की जो क्लास है वो हमें क्रिएट करनी है। उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं, इस विंडो की एक्सेप्ट करेंगे, देन हम जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद आपसे एक डिटेल यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा ट्रेजरी मास्टर के अंदर TDS नेचर ऑफ पेमेंट। तो आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको वो TDS की क्लास है जो क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी कि क्लास का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर जो आप TDS डिडक्ट करते हो वो कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट है, कमीशन है, कोई इंटरेस्ट है, या फिर कोई रेंट है, किसी भी टाइप का जो आप जो फॉर्मेट आपका जो मतलब TDS के दायरे के अंदर आप जो TDS डिडक्ट किए वो कौन सी कैटेगरी है, उसका कोड वगैरह क्या है। तो जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया भी TDS ऑन, या कमीशन कर दिया, या मैंने इंटरेस्ट कर दिया भी TDS ऑन इंटरेस्ट पे। यानी कि अब ये इंटरेस्ट मेरा 94A का इंटरेस्ट मैंने एक नेचर ऑफ क्लास है जो क्रिएट कर दिया। उसके बाद में इसका जो सेक्शन रहने वाला है 194A का, और उसके बाद में जो पेमेंट कोड रहती है इसकी 94A से होती है। देन उसके बाद आपसे एक डिटेल पूछा जाएगा भी रेट ऑफ इंडिविजुअल अचीव विद पेन के साथ, यानी कि आपने पेन नंबर के साथ में कितना है जो TDS है डिडक्ट करना है। तो हमारा जो TDS है इंटरेस्ट के ऊपर वो है 10%, और देन उसके बाद में आपके पूछा जाएगा भी रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप, यानी कि अदर डिडक्टिव टाइप का मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ एक TDS के अंदर रूल्स होते हैं भी अगर आप जो कोई इंडिविजुअल है तो आप उसका 1% TDS डिडक्ट करोगे, अगर वो कंपनी है अचीव है तो उस कंडीशन के अंदर उसका TDS है जो 2% डिडक्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट की कंडीशन के अंदर ये सेम है तो हम दोनों में सेम रखेंगे। देन उसके बाद के अंदर ये ऑप्शन आपके पास आया गया जो एग्जेम्पशंस लिमिट के लिए भी आपने कितनी लिमिट के बाद में TDS है जो डिडक्ट करना है। तो जैसा कि मान लीजिए हमने अब जो भी आपका TDS है वो आपको नेचुरल उसकी जो एग्जेम्पशंस लिमिट है वो आपको प्रॉपर सही तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 194 जो इंटरेस्ट का है उसके लिए जो इसके एग्जेम्पशंस लिमिट है वो दे दी 5000, यानी कि 5000 रुपये तक की अमाउंट के ऊपर कोई भी TDS है जो नहीं कटना चाहिए। उसके बाद में जो भी अमाउंट रहेगी उसके ऊपर ऑटोमेटिक TDS है कटना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड काम भी कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट ए नेचर ऑफ पेमेंट की क्लास। देन उसके बाद हमने इसका सेक्शन कोड पेमेंट एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी हमने यहाँ पर इसी के अंदर ही पूरी कर दिया। तो कुल मिला के हमारे 3 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। देन उसके बाद में एक TDS का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा अंडर ड्यूटीजन टैक्सेस में। अब वो कौन सा लेज़र रहने वाला है, क्रिएट पर हम जाएंगे लेज़र पर। अब मान लीजिए आप वो एक TDS अगर आप डिडक्ट कर रहे हो किसी भी पार्टी का कस्टमर का तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है भी जो आपने TDS डिडक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो वो लेज़र हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले दिया भी TDS ऑन इंटरेस्ट, और आगे हिंट में यहाँ पे दे दिया पेबल, यानी कि ये हमारा कुछ हमारा TDS कट भी सकता है तो वो हमारा ऑलरेडी पेड में रहेगा और हम जो काट रहे हैं वो हमारा पेबल में रहेगा। तो इसका ग्रुप हम रखने वाले ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो क्लास पूछी जाएगी वो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से TDS को। और उसके बाद में हमें अभी जस्ट जो एक नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर क्लास क्रिएट करी थी वो आपको सामने यहाँ पर दिख जाएगी। हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे। ये लेज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 नंबर जो हमारा पॉइंट था TDS लेज़र क्रिएट करने वाला वो चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद में उस पार्टी का लेज़र भी हमें क्रिएट करना है जिसका TDS है जो कटेगा। अब मान लीजिए हमारा बार अगर आपके पास ऑलरेडी लेज़र क्रिएट है तो आप उसको अल्टर भी कर सकते हो, अदरवाइज हम नया भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बना दिया XYZ पार्टी, कुछ भी हो सकता है, मैंने XYZ पार्टी के नाम से बना दिया, यानी कि हमने इस पार्टी को इंटरेस्ट है जो पे करना है। तो मान लीजिए ये हमारा एक अनसिक्योर्ड लोन, मान लीजिए भी हमारा एक लोन है इसको हमने पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा TDS डिडक्टेबल, यानी कि इस जायज़ सी बात है अभी इसका पार्टी का जो TDS है कटेगा, और हम इसको करेंगे डिडक्टेबल को यस करेंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ट्रीट ए TDS एक्सपेंसेस, तो जो लेज़र हमारा एक्सपेंसेस है उसको हम करने वाले हैं। देन उसके बाद में आपके पास सेम वही नेचर ऑफ क्लास आ जाएगी TDS ऑन इंटरेस्ट 94A वाली। तो उसके बाद के अंदर जैसे हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जो TDS का जो डिडक्ट, आप इस ऑप्शन को एक बार नो रख लेना क्योंकि आपकी अगर करोगे तो आपको हो सकता है सेम वाउचर के अंदर ये TDS है जो डिडक्ट ना करे। तो उसके बाद एक ऑप्शन अगर इसको हम ये नो कर देंगे इस वाले ऑप्शन को तो ये आ जाएगा डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर,
भी सेम वाउचर के अंदर ही TDS है जो डिडक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में ये जो डिडक्टिव का टाइप है वो पूछेगा। तो हम इसको एक बार कर देते हैं, इंडियन का रेजिडेंस इंडिविजुअल अचीव को, और उसके बाद में TDS सेम वाउचर यस करेंगे, और यस करने के बाद भी हमारे पास वो सेम लिस्ट ऑफ नेचर पेमेंट के अंदर उसी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में यूज़ एडवांस TDS एंट्रीज इसको भी हम यस करेंगे, और उसके बाद में इसको कर देंगे यहाँ पर हम एप्लीकेबल, और TDS ऑन इंटरेस्ट 94A को भी करेंगे एक्सेप्ट, और उसके बाद में इसी वाउचर को हम एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से कर देंगे सेव, यानी कि हमने एक XYZ पार्टी का लेज़र क्रिएट कर लिया, और उसके अंदर स्ट्रेची डिटेल के अंदर TDS की सारी डिटेल हमने इंफॉर्मेशन कर दी है। लेकिन अभी हमने एक गलती यहाँ पर कर दी है, हमने अभी जो एक लेज़र क्रिएट किया था, यहाँ पर अल्टर पे चलते हैं, लेज़र पे जाएंगे XYZ, तो हमने अभी तक इसका पेन नंबर यहाँ पर नहीं दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है पेन नंबर देना कंपलसरी है। तो हम इसके पेन नंबर के ऑप्शन पर आ जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेप टू स्टेप फिलअप करनी है, तभी प्रॉपर हो पाएगा। अब उसके बाद जो हमारा 5 नंबर पॉइंट है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, TDS का लेज़र क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद में एक क्रिएट है एक्सपेंसेस लेज़र, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट है हमारा वो हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, तो उसका लेज़र भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और TDS एप्लीकेबल है तो इसको करेंगे एप्लीकेबल, और जैसे हम एप्लीकेबल पूछेंगे तो नेचर ऑफ पेमेंट पूछ लेगा, देन हम इसको करेंगे TDS ऑन इंटरेस्ट पे, और उसके बाद हम इंटरसेप्ट करते इस लेज़र को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो लेज़र बनाने की जो प्रक्रिया थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद आपको ये जर्नल वाउचर के अंदर एक एंट्री पास करनी है, वो आपको मैं करके बता देता हूँ किस तरीके से पास करनी है। वाउचर पे हम जाएंगे और F7 यानी कि जर्नल वाउचर को चूज़ करेंगे। अब हमें क्या था भी, हमने इंटरेस्ट पेड किया है तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट पेड का लेज़र सेलेक्ट करेंगे, और जैसे मान लीजिए एग्जम्पशन लिमिट हमने दी हुई थी 5,000 रुपये की, और मान लीजिए इंटरेस्ट हमने दे दिया 10,000 यानी कि 10,000 रुपये का, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, उस पार्टी को जिसको हमें ये इंटरेस्ट देना है। तो हमने XYZ पार्टी का लेज़र क्रिएट किया था, तो आप देख रहे हो जैसे हमने XYZ पार्टी को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो उसने 1,000 रुपये का TDS है जो काट के और उसके 9,000 रुपये जमा कर लिए, यानी कि 10,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये डिडक्ट ऑटोमेटिक कर लिया इसने, और इसके बाद जो अब 1,000 रुपये क्रेडिट रहने वाला है, अभी हमने जो एक लेज़र क्रिएट किया था यहाँ पे TDS ऑन इंटरेस्ट पेबल, वो लेज़र है जो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों साइड हमारी ये 10,000 रुपये से बराबर हो जाएगी डेबिट और क्रेडिट की, यानी कि इसने सेम वाउचर पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पर इसने डिडक्ट है जो कर लिए है, और एंटर प्रेस करते हुए हम इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो अब इसे होगा क्या, सबसे पहले हम TDS की रिपोर्ट पर जाके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, TDS रिपोर्ट पर जाएंगे, और उसके बाद में ये जो हमारा फॉर्म 26Q 27Q आपके ऊपर है वो हम देखेंगे। तो जैसे ही हमने इस लेज़र ऑप्शन को ओपन किया है तो आप देख रहे हो ये हमारी 10,000 रुपये करंट पीरियड, और आपने 1,000 रुपया TDS है जो डिडक्टेबल है, यानी कि आपने 1,000 रुपये TDS है जो डिडक्ट आपको करना है, और आपने वो कर भी लिया। तो आप देख रहे हो आपकी जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है ये यहाँ पर 3 आ रही है, तो ये यहाँ पर 0 रहनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। इंटरप्रेस करेंगे, 3 पे जाके देखेंगे तो ये कह रहे अभी GST परसेंटेज है जो परचेज की, उसके अंदर आपने TDS को एप्लीकेबल करना है कि नहीं करना, तो हम इनको सभी को नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनको हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो कुछ इस तरीके से लेज़र आपके सामने आते रहेंगे, अनडिफाइंड नहीं करना, ये तो आपको एप्लीकेबल रहेगा या फिर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरीके से सभी लेज़र को, जो आपके पास कुछ ऐसे एरर आती है तो आप एक बार उनको सभी को नॉट एप्लीकेबल ज़रूर कर लें, ताकि आपको TDS की जो रिटर्न्स रेडी करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो सभी लेज़र्स को हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिए। देन उसके बाद में अब ये 1,000 रुपये की जो हमारी लाइबिलिटीज रहने वाली है वो अब लाइबिलिटीज हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं लाइबिलिटीज है या नहीं है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाएंगे, जैसे हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ओपन किया तो आप देख सकते हो ये TDS ऑन इंटरेस्ट पेबल है, ये हमारा 1,000 रुपये अभी भी क्रेडिट है, यानी कि ये अभी हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो अगर इसी एंट्री हम करना चाहें यहाँ पर, तो जैसा कि हम TDS रिपोर्ट पर गए थे अभी, तो उसके बाद हमारे लिए एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा
हम स्टेट पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर ट्रेजरी पेमेंट के अंदर जीएसटी और टीडीएस दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो आपको टीडीएस डिपॉजिट करवाना है और देन आपको वो पीरियड यहाँ से सेलेक्ट करना है भी कौन से पीरियड का आप यहाँ पर करवा रहे हो और कौन सी डेट को आप करवा रहे हो। तो वो डेट वगैरह आपको यहाँ पर सारी है जो फिलअप करनी पड़ेगी जिस मंथ के अंदर आप डिटेल करा रहे हो। तो ये 194 आपकी पेमेंट की डिटेल है, टीडीएस इंटरेस्ट 194A की डिटेल आ गई और अगर आपकी डिडक्टी का जो स्टेटस है वो था नॉन कंपनी का और आप किसके थ्रू कैश करा रहे हो, SBI बैंक के थ्रू हम करा रहे हैं। तो SBI इस तरीके से वाउचर आपके सामने ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हो भी ये जो अगेंस्ट रेफरेंस जर्नल एक नंबर का है, इनकम टैक्स एक तरीके से 1000 रुपये का आपका डेबिट हो रहा है यहाँ पर और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऑनलाइन पेमेंट है, एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये हमारी जो अमाउंट है, अगर हम बैलेंस शीट में जाके इसको देखेंगे और वापस ड्यूटी या टैक्सेस में जाएंगे तो आप देख रहे हो अभी जो हमें यहाँ पर लाइबिलिटी जो दिखा रखा था TDS ऑन इंटरेस्ट के अमाउंट का वो बराबर हो चुका है। अगर उसका लेज़र हम देखें, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर हम जाएंगे और लेजर पर जाएंगे तो TDS ऑन इंटरेस्ट पेबल पर हम जाके देखेंगे तो ये जो हमारा 1000 रुपये का क्रेडिट हुआ था उसके बाद में हमने पेमेंट के थ्रू उसको डेबिट भी कर दिया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर सही तरीके से TDS की जो पैरामीटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है इनेबल करके, सभी सेटिंग को प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करके GST को ऑटोमेटिक है जो TDS के अमाउंट को ऑटोमेटिक है जो डिडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।